यस, आपका नाम? सूरज। सूरज, यस, आप खुद बहस करेंगे? हाँ जी, मैं ही बहस करूँ। यस, इसमें आज की इसमें तारीख लगी हुई थी, इन्हें वो एड्रेस प्रूफ देना था। पिछले ऑर्डर में इनको दिया गया था कि एड्रेस देना है इनको, तो एड्रेस लाएं क्या आप? एक नंबर का एड्रेस का ऑर्डर हुआ था, अभयंकर सर ने करा था। मेरा 10 महीने से उन्हीं के पास केस चल रहा है सर। क्या सर, मेरा प्लॉट इन्होंने का ऑर्डर कह रहे हैं? ये 15 तारीख का ऑर्डर है। 15 जी, 22 को भी लगा था, 22 को भी ये दे नहीं पाया, और आज फिर यहाँ आया है केस। ये कौन है भाई, नंबर टू कौन है सर? कनोज, नंबर टू बेसिकली क्या है सर, एमपी हाउसिंग बोर्ड हैज ऑलरेडी अलॉटेड अ प्लॉट टू द रिस्पोंड नंबर टू, एंड लेटर ऑन ड्यू टू सम मिस्टेक बट टाइपोग्राफिकल एरर दैट प्लॉट हैज बीन सबसिक्वेंटली अलॉटेड टू हिम। थोड़ा सा एक मिनट, हिंदी में बोल दो आप, मेरे को समझ में नहीं आएगा। हाँ, आप क्या बोल जाओगे मुझे पता नहीं चलेगा। उनका कहना है कि नंबर टू को, ये जो नानक राम है ना, हाँ जी, प्लॉट उन्हीं को अलॉट किया गया था, पर त्रुटिवश जी आपको अलॉट हो गया, ऐसा यही साहब का कहना है। हाँ जी, तो उसमें मैंने उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आपको भी सुनेंगे। ठीक है, अभी इनका कहना मिस्टर पाठक कि नंबर टू को नोटिस, नंबर टू जो है उसका प्रॉपर एड्रेस तो आपके पास तो होगा, इनको प्रोवाइड करा, आपको एड्रेस दे रहे हैं, आप नोटिस दे दीजिए उनको। जी, वो दे इसको पहले दिया था तो वो एक्स पार्टी हो गए थे, तो इन्होंने कहा कि नहीं वापस बुलाया जाए, क्योंकि इसमें आप मैंने जो जवाब दिया था इनको 26/7 को, इनके जवाब के ऊपर रिप्लाई करा था, उसमें मैंने लगाया 38 नंबर पेज पे, देखिए आप। तो ये आपको एड्रेस दे रहे हैं नंबर टू का? हाँ, मैं ठीक है, उस एड्रेस पे आप नोटिस मैं करूँगा ना सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये पेज नंबर 38 पे आप देखिए। पहले उनको नोटिस सर्व हो जाने दीजिए, हाँ जी, फिर सुनवाई करेंगे, है ना, नंबर टू को भी सुनना आवश्यक है। सर, जो एड्रेस इन्होंने लिखा है 131 गांधी नगर, 313 सर, वही एड्रेस हमारे पास भी आया है सर, उसके अलावा कोई और एड्रेस नहीं। मोबाइल मैं कैसे बात करूंगा उससे, मैं उसको कर चुका था उन्हें। आपके पास तो क्या अलॉटी अगर है आपका, अभी पोजीशन किसके पास है सर? उसी के पास है। नहीं सर, एक मिनट, पहले वकील साहब की बात सुने, आपको भी सुनेंगे, आपके खिलाफ ऑर्डर नहीं करेंगे बिना सुने। बेसिकली द केस इज एक प्लॉट अलॉटमेंट होता है इन सर्टेन स्कीम, जो एलआईजी प्लॉट्स है, स्मॉल प्लॉट्स फॉर ओबीसी कैटेगरीज, उसके अंदर एक प्लॉट अलॉट होता है, प्लॉट नंबर 92 टू द रिस्पॉन्ड नंबर 2 इन द फर्स्ट पब्लिकेशन। लेटर ऑन ही फाइल एन एप्लीकेशन कि मुझे ये प्लॉट चेंज करके दूसरा दे दो, तो उसको वो प्लॉट 92 की बजाय 125 दे दिया जाता है। फिर और भी प्लॉट्स रिमेनिंग उसके अंदर बचते हैं, तो डिपार्टमेंट उसमें सेकेंड पब्लिकेशन निकालता है दैट दीज आर द रिमेनिंग प्लॉट्स, अगर किसी को वो प्लॉट्स चाहिए तो आप उसके अंदर वापस से एप्लीकेशन फाइल कर दो। ड्यू टू दैट चेंज जो प्लॉट नंबर 125 है, तो त्रुटिवश उसके अंदर सेकेंड वाले पेपर पब्लिकेशन के अंदर आ जाता है, और सेकेंड वाले पब्लिकेशन के अंदर ही अप्लाइज फॉर दैट, और इनको वो रॉन्गफुली इनको प्लॉट अलॉट हो जाता है। लेटर ऑन वो इन्फॉर्म हिम कि ये आपको गलती से हमने भेज दिया है, एंड अगेंस्ट दोज ऑफिसर्स अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हैज आल्सो बीन इनिशिएटेड, दोज ऑफिसर्स आर बीन सस्पेंडेड आल्सो, और इनको हम सारी फैसिलिटीज देते हैं दैट ये 5-6 प्लॉट्स और हमारे पास हैं, आप इसमें से चाहे तो आप कोई भी प्लॉट ले सकते हैं। मीनवाइल इनको लोन्स और ये सारे इनके सारे डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट हो जाते हैं, ये लोन ले भी लेते हैं, कुछ अमाउंट एमपी हाउसिंग बोर्ड में डिपॉजिट भी हो जाता है, देन वी इन्फॉर्म हिम कि आपका जो भी लोन है ये हम रीपे पूरा कर रहे हैं, लेटर ऑन वी पे ऑल द ड्यूज विद इंटरेस्ट टू द बैंक, एंड बैंक हैज ऑल्सो स्टेटेड कि हमको सारा पेमेंट मिल गया और उन्होंने भी इनके खाते में पूरा पैसा दे दिया, बिकॉज ही इज नॉट रिप्लाइंग टू अस। अगर आपको कोई प्लॉट दूसरे हमारे पास अवेलेबल है ऑन द सेम रेंज
आप वो देख लीजिए, ये हमसे गलती से चला गया, एंड वी आल्सो इन्फॉर्म देम कि ये जो त्रुटि हुई है इसके खिलाफ हमने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी करी एंड अगेंस्ट दोस ऑफिसर्स हु सस्पेंडेड देम आल्सो, बट ही इज नॉट लिसनिंग टू द एनीवन, ही इज सेइंग कि मुझे वो 125 ही चाहिए। अब नाउ ऑन दैट 125 प्लॉट उस आपके कंस्ट्रक्शन भी चालू कर दिया है, दिस इज द मेन केस। मिस्टर सूरज, हाँ जी, वकील साहब का कहना है कि वो प्लॉट तो आपको त्रुटिवश आपके नाम पे हुआ, वो कायदे से नंबर टू को ही अलॉटेड है, ये दूसरा प्लॉट उसी साइज का आपको देने के लिए तैयार है, तो आप इसके लिए सहमत हैं कि नहीं? नहीं सर, ये नहीं, वही बस इतना ही काफी है। हाँ जी है, अब ये नंबर टू को कैसे सर्व कर सकते हैं? नंबर टू के कुछ दो फोन नंबर मेरे पास आए हैं, पर ये आपके अलॉटी हैं, तो अभी भी जो कांटेक्ट में कुछ रेंट वगैरह सर, वो एड्रेस जो है उसी में से उन्होंने फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप किया है, जो एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है। एक बार और नोटिस दीजिए इसी एड्रेस पे। सर मैं देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरा भी सुन लीजिए। मुझे ये जो लॉटरी से खुला था उसके बाद में इनके जो अधिकारी थे इन्होंने मुझे 1,00,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड करी थी, और मैंने वो डिमांड इनकी पूरी नहीं करी, तो इन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम कीजिए, या तो फिर ये प्लॉट छोड़ दीजिए। मैंने उन्हें स्पष्ट कहा कि मैंने बैंक से फाइनेंस करके रखा है। अभी आप, हाँ जी, आज फैसला नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, फैसले का नहीं बता रहा हूँ। हाँ जैसे नंबर टू को अभी जो है मेरे पास पूरे एविडेंस है, मैंने जब इनको कहा कि मेरा बैंक से फाइनेंस है तो वो भी है, जनसूचना अधिकारी की कॉपी भी लगी है, अगर वो प्लॉट उसी का होता तो मुझे जनसूचना अधिकारी की कॉपी में थोड़ा लिख के देते कि ये आपका है। ठीक है, एक बार नोटिस और दीजिए इनको। जी मैं दे देता हूँ। रजिस्टर्ड पोस्ट से दीजिए, रजिस्टर्ड पोस्ट से जो है सर यहीं से कोर्ट से जाएगा, भत्ता भर के कोर्ट से जाएगा जी। आपको सिर्फ जी जमा करना पड़ेगा प्रोसेस फी, बिल्कुल कोर्ट इशू करेगी। ठीक, लिखिए पिटिशनर इज प्रेजेंट इन पर्सन, लिखिए श्री कौस्तुभ पाठक लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर वन, रिस्पोंडेंट नंबर टू इज अनसर्व्ड, एम एस दर्शना बघेल लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर थ्री, काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट बैंक फॉर नंबर थ्री है, नंबर थ्री लिखिए काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर वन सबमिट्स द The address of the respondent number 2 is correct address as mentioned in the writ petition in our records as per the record of the respondent number 1 full stop. Considering the aforesaid, comma, the petitioner is directed to pay fresh process fee on the address of the respondent number 2 by registered AD within कितने 7 दिन का समय देते हैं आपको? अच्छी 10 दिन का दे दीजिए। 10 दिन का, within 10 working days from today and on payment of such PF, comma, the notices be made returnable within 4 weeks. Full stop. क्या आप ये कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या? जी सर, मैं भी उनको फोन लगा के जो फोन नंबर मेरे पास आए हैं मैं भी उनको। अपार्ट फ्रॉम दैट, काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर वन इज आल्सो डायरेक्टेड टू कम्युनिकेट द रिस्पोंडेंट नंबर टू अबाउट द प्रेजेंट पिटीशन। लिखिए लिस्ट आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द रिस्पोंडेंट नंबर टू। यस सर, मुझे सुना तो जाएगा पूरा? पूरा सुना जाएगा। हाँ मेरे पास सारे एविडेंस है, ये जो बता रहे हैं आपको बिना सुने नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।